गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इनवर्टेब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट की नेक्स्ट फाइलम करते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये हमारी एनिमल किंगडम की। सबसे ज्यादा जो जानवर हैं या जीव हैं वो इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं। दो तिहाई एनिमल कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा से हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। अभी हम रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये जीव ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ करेक्टर्स हैं इनके पास जो इनको सरवाइव करने में मदद करते हैं। सबसे पहला करेक्टर क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था इनमें। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। हमने एनालिड में पढ़ा था सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनमें भी क्या है? सेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन तीन रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे ये फ्रंट पोर्शन को हम क्या कह देंगे? हेड। ये आपका ये सारा पार्ट, नेक पार्ट क्या कहलाता है? थोरेक्स। और ये सारा पार्ट क्या कहलाया जाएगा? एब्डोमेन। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, एक ये मेजर करेक्टर आ गया इनके पास कि बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन में। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है इनका? एक्सोस्केलेटन। क्या है? बाहर की तरफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्केलेटन ढांचा प्रेजेंट है जो इसको सपोर्ट करेगा। और वो ढांचा किस चीज से बना हुआ है? काइटिन से। एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने और कहां पढ़ा था? ये कहां था? काइटिन हमने फंजाई में पढ़ा था। कहां पढ़ा था? फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो यहां पर आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज से बना हुआ है? काइटिन। इस काइटिन में कैल्शियम फॉस्फेट के डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के डिपॉजिट हो जाएंगे जो इसको और भी क्या बना देंगे? हार्ड बना देंगे। तो इतना हार्ड स्ट्रक्चर बाहर प्रेजेंट है जो डिग्रेड होना क्या है? मुश्किल है। इसलिए इसी एक्सोस्केलेटन की वजह से आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा एनिमल होते हैं। तो एक तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारा किसके? बाहर कवरिंग में। दूसरा, ये जो काइटिन है या एक्सोस्केलेटन है इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है? जो पानी को अंदर जाने नहीं देगा या बाहर नहीं आने देगा। इम्परमिएबल टू वॉटर, ना पानी अंदर से बाहर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो ड्राइनेस होनी चाहिए, जो सूखना होना, सेल जो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने से डेड हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी इनके पास नहीं है। तो इनपरमिएबिलिटी किसकी? एक्सोस्केलेटन की वजह से ही आर्थ्रोपोडा के ये सबसे ज्यादा एनिमल पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई आर्थ्रोपोडा हैव लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, या व्हाई द आर्थ्रोपोडा हैव इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो उसका रीजन हम यही लिखेंगे कि आर्थ्रोपोडा हैव एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन हैव कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिट मेक इट हार्ड। Moreover, this exoskeleton is impermeable to water, thus making them to survive for long time. इसलिए क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस में मिलेंगे? हमारे आर्थ्रोपोडा में। तो वन ऑफ द रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन आर्थ्रोपोडा इज प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब इनके पास क्या है? जॉइंटेड लेग्स हैं। जॉइंटेड का मतलब पेयर में लेग्स हैं। जैसे हमारे पास क्या है? टू पेयर ऑफ लेग्स है। ऊपर हाथों को हम क्या बोल देते हैं? फोर आर्म्स। और लेग्स को हम क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स बोलते हैं, फोर आर्म्स और हाइंड लिम्स। तो हमारे पास कितने लेग्स हैं? टू पेयर है। ऐसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा, इनके पास भी जॉइंटेड लेग हैं। जॉइंट का मतलब
पेयर में हमेशा प्रेजेंट होंगे। कैसे? दे आर प्रेजेंट इन पेयर। ये जो पेयर है तीन का पेयर भी हो सकता है, 1 2 3 जैसे इधर है ऐसे ये इधर प्रेजेंट है, तो ये क्या है? तीन पेयर है। ज्यादातर जो आर्थ्रोपोडा है दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस पाई गई हैं आर्थ्रोपोडा में जिसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं। जैसे आप मच्छर देख रहे हो, कॉकरोच देख रहे हो, उनमें क्या है? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। आप बटरफ्लाई देखते हो तो इन सब में क्या है? 3 पेयर ऑफ लेग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोडा हैं जिनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं, मतलब एक और यहां पर प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो इसी से इनका नाम क्या बना? आर्थ्रोपोडा। आर्थर का मतलब होता है ज्वाइंट, जुड़े हुए। पोडा मीन्स लेग, पोडा मीन लेग, वहीं से इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा हैविंग ज्वाइंटेड लेग्स, जो कितने पेयर में हो सकते हैं? 3 में भी हो सकते हैं और 4 में भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया है तो वेल डेवलप ऑर्गन्स बन गए हैं, जिसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या डेवलप हो गए हैं? गिल्स भी प्रेजेंट हैं, बुक गिल्स भी प्रेजेंट हैं, बुक लंग्स भी। ट्रू लंग्स नहीं प्रेजेंट है। बुक वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है जैसे आपकी किताब होती है इस तरीके का हो जाता है, इसलिए नाम पड़ा बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास क्या होता है? ओपन होता है, मतलब कोई चैनल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता। जबकि एनालिडा ऐसे एनिमल्स आए थे बीच में जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? क्लोज्ड था। लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई चैनल्स में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, डायरेक्ट सारे में ही क्या है? ब्लड ऐसे ही प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रहा है? क्या है इनके पास? मालपिजन टिब्यूल्स हैं। यहां पर हमने क्या मेन करेक्टर पढ़ा? एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड लेग्स, और तीसरा क्या है? एक्सक्रीशन, जो बाकियों से डिफरेंट कर रहा है इसको। इनके पास क्या है? वेस्ट बाहर निकालने के लिए क्या प्रेजेंट है? मालपिजन टिब्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे हमारे अंदर किडनी हेल्प करती है वेस्ट को निकालने के लिए, इंसेक्ट जितने भी बटरफ्लाईज हैं, इंसेक्ट, कॉकरोच, मॉस्किटो, सारे किस में आते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आप इन सबको देख रहे हो, इनके पास क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। वो लेग 3 पेयर में भी हैं, 4 पेयर में भी है, इसलिए नाम आया आर्थ्रोपोडा। तो इनके पास क्या है वेस्ट बाहर निकालने के लिए? मालपिजन टिब्यूल्स हैं। इनकी ओपनिंग क्या है? यहां थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, डायशियस एनिमल है, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल क्या होगा? अलग होगा। फर्टिलाइजेशन हमेशा क्या होती है? इंटरनल, इनसाइड दी फीमेल बॉडी होगी। और डेवलपमेंट क्या होती है? हमेशा इनडायरेक्ट, मतलब बीच में क्या आएगा? लार्वल स्टेज आएगी। जैसे आपने छोटी क्लासेस में 6th में पढ़ा होगा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी थी, या मॉथ की लाइफ साइकिल देखी थी। जैसे आपने सिल्क फॉर्मेशन आपने 6th में पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या है उसकी लाइफ साइकिल की, कि कैसे सिल्क वॉर्म प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। तो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती, वो बिल्कुल अलग है पेरेंट से, इसलिए हम क्या बोलते हैं? जो विकास हो रहा है लाइफ साइकिल में वो कैसा है? इनडायरेक्ट है, बिल्कुल वैसा ही नहीं बनता बच्चा, बीच में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा। तो जितने भी आपके कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं, वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा के लिए। तो जैसे आपकी एडीज हो गए, एनाफिलीज हो गए, एनाफिलीज मॉस्किटोज को बोलते हैं, एडीज जो हमारा डेंगू वाला जो मच्छर होता है उसको बोलते हैं, हनी बी हो गई आपकी, या सिल्क वॉर्म हो गए, ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी बहुत सारी क्लासेस हैं, उसमें से जो सबसे बड़ी क्लास जो है वो किसकी है? इंसेक्ट की है। इंसेक्ट सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी 8th जो फाइलम है दैट इज मोलस्का।
मोलस्का में ये भी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्यों है? क्योंकि इनके बाहर भी एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज्यादा जानवर किस में है? आर्थ्रोपोडा में, उसके बाद क्या है, मोलस्कन में। ये ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको? एक्वेटिक मिलेंगे। एक्वेटिक में भी कौन से? मेराइन। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे आपको सीपियां मिलती है ना, जब आप रेती आती है आपके घरों में, उसमें छोटी छोटी ऐसे कैलकेरियस से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे सीपियां बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो जो सीपियां हैं वो कौन निकाल रहे हैं? मोलस्का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी ज्यादातर कौन से हैं? मेराइन है, लेकिन फ्रेश वाटर भी मिलते हैं आपको। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, ये तो वही करैक्टर। अब जो मेन करैक्टर इनके पास है, बॉडी इज कवर्ड विद शेल, शंक्स, मतलब एक कवरिंग से ढकी होती है। जैसे शंख आप देख रहे हो, शंख एक्चुअल में क्या है? एक मोलस्का है। मतलब जो शंख आपको मिलता है इस तरीके से, उसके अंदर क्या है? एक एनिमल प्रेजेंट होता है। वो एनिमल किसको बिलोंग करता है? मोलस्का में। तो ये जो बाहर कवरिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, इसको हम क्या बोल देते हैं? शेल। जो सीपियां आपको मिल रही हैं, ये क्या है? इन मोलस्कन की बाहर की कवरिंग है, जो किससे बनी हुई है? कैल्शियम से। जबकि बॉडी अंदर जो ढांचा है वो कैसे डिवाइडेड है? सेगमेंटेड है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड है। कैसे है? तीन पार्ट हैं बॉडी के, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका ऑक्टोपस, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? दिस इज हेड रीजन, ये हेड है। ये सारा क्या है आपका? मस्कुलर फुट। ये क्या है? मस्कुलर फुट, जो मूवमेंट में मदद करेंगे। और ये स्वोलन सा पार्ट क्या कहलाया जाएगा? विसरल हम्प। इसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या है? तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हेड रीजन, जहां पर आईज प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम आर्म्स कह सकते हैं या लेग्स कह सकते हैं, उनको हम बोलेंगे मस्कुलर फुट। और एक स्वोलन पार्ट है जिसमें मैक्सिमम आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? विसरल हम्प। तो बॉडी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, अब मोलस्का का जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है? कि ये जो विसरल हम्प होता है, बाहर से एक चिकनी स्किन से कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल। जैसे ऑक्टोपस आपने टीवी में देखा होगा, वो क्या है, ऐसे गिलगिला सा रहता है। वो गिलगिला क्यों है? क्योंकि उसके बाहर एक बहुत पतली सी गद्देदार सी कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इसके बाहर यहां पर क्या है, सारी जगह क्या है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ज्यादातर कहां प्रेजेंट होगी? विसरल हम्प की तरफ। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेंटल। इस मेंटल और विसरल हम्प के बीच में क्या है? खाली जगह होती है। जैसे मैं कहूं ये ऐसे था, यहां माउथ हो गया और फिर यहां से टेंटिकल्स, ये जो खाली सारा स्पेस है, इसे हम क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी बोलेंगे। मेंटल कैविटी, ठीक है। तो हेड रीजन में क्या है? दो पार्ट प्रेजेंट है, सेंसरी टेंटिकल्स और माउथ। माउथ के पास क्या है? रैस्पिंग, निगलने के लिए, जानवर को पकड़ने के लिए क्या है ऑर्गन प्रेजेंट होता है? रैस्पिंग ऑर्गन बोलेंगे उसको हम, ठीक है। रैस्पिंग ऑर्गन, उसका दूसरा नाम है रेडुला। क्या है? रेडुला। यहां से खाना अंदर एंटर करेगा। तो हेड में दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट है आपके, माउथ और सेंसरी टेंटिकल्स, जो चीजों को महसूस कराने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है गिल्स, रेस्पिरेशन और वेस्ट बाहर निकालने के लिए क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है, जो
विसरल हम्प में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो क्या है वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करेंगे। फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन गिल्स आर प्रेजेंट। डाइशियस एनिमल्स हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डाइशियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, बीच में ऐसी स्टेज आ रही है जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पायला, ऑक्टोपस, जो मोती बनाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे भी किसको बिलोंग करते हैं मोलस्का में। तो बाहर वो एक हार्ड कवरिंग बना रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं शेल। शेल की वजह से ये ऑर्गेनिज्म बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारी एनिमल किंगडम की। ठीक है, तो मेजर करैक्टर क्या हुए बच्चे इनके पास, शेल है, बॉडी डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, और क्या प्रेजेंट है एक स्पॉन्जी कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं मेंटल, और माउथ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है जो खाने को खींचेगा अपनी तरफ, जिसे हम क्या बोलेंगे रैस्पिंग ऑर्गन या रेडुला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी फाइलम है दैट इज एकाइनोडर्मेटा, क्या बोलेंगे हम एकाइनोडर्मेटा। इनके पास भी क्या है, ज्यादातर ये क्या होंगे मेराइन होंगे। एंडोस्केलेटन किस चीज से बना हुआ है, कैलकेरियस ऑसिलाइज से बना हुआ है, इसलिए ही इनका नाम क्या बना है एकाइनोडर्म, मतलब इनकी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे स्पिक की, मतलब कांटेदार से कह सकते हैं हम, या निकुली चीजें प्रेजेंट होती हैं जो किससे बनी हुई है कैल्शियम से बनी हुई है। इन निकुली चीजों को ही हम क्या बोल रहे हैं ऑसिलाइज बोल रहे हैं या स्पिक्यूल्स बोलते हैं स्पिक्यूल्स। तो इनके पास क्या है एंडोस्केलेटन है, इनसाइड क्या प्रेजेंट है आपका ढांचा प्रेजेंट है जो किससे बना हुआ है कैल्शियम से बना हुआ है। इनी स्पाइनी ऑसिलाइज की वजह से ही इनका नाम क्या बना एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी। एकाइनो का मतलब क्या होता है स्पाइनी, ये आपको ज्यादातर कहां मिलेंगे मेराइन। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कि रेडियल सिमेट्री होती है इनके पास, रेडियल सिमेट्री, किसी भी एंगल से काटोगे आप ये बराबर हिस्सों में कट जाएगा। लेकिन जो इनकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज हैव बाइलेटरल सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे तो काइनोडर्मेटा की जो एडल्ट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म है वो रेडियल सिमेट्री का होता है, लेकिन उनका जो बीच में लार्वा आता है दैट हैव बाइलेटरल सिमेट्री दैट कैन डिवाइड ओनली इन वन डायरेक्शन इन इक्वल पार्ट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। तो एक तो ये रेडियल सिमेट्री वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, दूसरा इनके पास एंडोस्केलेटन डेवलप हो गया था। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे एक्सोस्केलेटन, बाहर की तरफ ढांचा प्रेजेंट है, इनके पास क्या डेवलप शुरू हो गया एंडोस्केलेटन। तीसरा जो मेन करैक्टर है इनके पास वॉटर वस्कुलर सिस्टम, मतलब यहां पर पूरी बॉडी में छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या बनाएंगी वॉटर वस्कुलर सिस्टम, यही इनके अंदर से पानी एंटर करेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होएगा। तो ये क्या है, इसी पानी के प्रेशर से इनमें लोकोमोशन होएगी, चीजों का ट्रांसपोर्ट होएगा, खाना अंदर जा रहा है, वेस्ट बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो सारा काम जो है वो कौन करवा रहा है एक्सचेंज वाला वॉटर वस्कुलर सिस्टम। तो लोकोमोशन में, ट्रांसपोर्ट में, रेस्पिरेशन में कौन मदद कर रहा है वॉटर वस्कुलर सिस्टम, ये मेजर करेक्टरिस्टिक है किसका एकाइनोडर्मेटा का। डाइशियस एनिमल है, ठीक है, डाइशियस मतलब दो ऑर्गेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर होएगी। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो आपकी जो स्टार फिश है दैट बिलोंग टू द एकाइनोडर्मेटा। जैसे ये देखो आपने यहां देखा कि छोटे छोटे स्पाइनी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है यहां,
ठीक है, ये यहाँ पर देखो डार्क ये जो लाइनें दिखा रखी हैं, ये क्या है, कैलकेरियस ऑसिलाइज हैं जो अंदर की तरफ सपोर्ट कर रही हैं एनिमल को, तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये एंडोस्केलेटन बन जाएगा। तो ये रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी आप काटोगे ये हमेशा ढाई भागों में ही कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। लेकिन बीच में जो लार्वा आ रहा है दैट है बायलेटरल सिमेट्री। ये जो ओपनिंग्स प्रेजेंट है ये क्या बना रही है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो मेजर करेक्टरिस्टिक है काइनोडर्मेटा का, जो एक्सचेंज कराने में मदद करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये हुआ हमारे इनवर्टेब्रेट्स या हम कहें नॉन कॉर्डेट। इसके अलावा एक और फाइलम आती है हमारी हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा पहले, इसका नाम हेमी क्यों पड़ा, पहले इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, कॉर्डेट्स के साथ रखा गया था, लेकिन कॉर्डेट्स का जो मेजर करैक्टर होता है नोटोकॉर्ड का होना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बैक में से जा रही है वो नहीं थी इनके पास, तो इनको दोबारा कौन सी कैटेगरी में रख दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेटा से पहले ये डिस्कवर हुए थे इसलिए इनका नाम क्या आ गया, हेमी कॉर्डेटा। मतलब ये लिंक बना रहे हैं किनके बीच में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। तो पहले इनको कॉर्डेटा में रखा गया, बाद में इनको दोबारा से नॉन कॉर्डेट या इनवर्टेब्रेट्स में रख दिया गया। ज्यादातर ये एनिमल्स क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, इनके पास भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट जो बाकियों के पास करैक्टर थे। मेन जो करैक्टर है इनके पास, बॉडी सिलेंड्रिकल है, ऐसे पेन की तरह जो बॉडी है, इस तरीके की बॉडी है जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस का मतलब होता है माउथ, प्रोबोसिस कॉलर और लॉन्ग ट्रंक है। ठीक है, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है, जबकि हमने यहां पर पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में भी क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन बीच में हमारे पास एक फाइलम आई थी एनालिडा दैट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि हमारे जो काइनोडर्मेटा है इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनके पास क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, वाटर की हेल्प से ही चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन दैट इज ऑफ ओपन टाइप। दूसरा क्या मेन है, जहां पर जो वेस्ट निकालने के लिए है, ये मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखा रही, ये एक आपका क्या है, हेमीकॉर्डेटा है, बिलेनोग्लोसस ये नाम है इस ऑर्गेनिज्म का। ये एक हेड रीजन है, ये हेड प्रोबोसिस बोलेंगे, ये ट्रंक कॉलर सॉरी, और ये सारा ये प्रोबोसिस, ये कॉलर जो खुला हुआ है कॉलर, और ये सारा रीजन क्या है, ट्रंक रीजन है, लॉन्ग ट्रंक। तो इसमें क्या होगा कि इस ट्रंक रीजन में छोटे 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 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड, जो वेस्ट बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो यही इनके पास एक मेजर करैक्टर है कि बॉडी डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, प्रोबोसिस कॉलर और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, हम एक बार क्विक रीकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक इनवर्टेब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या करैक्टर्स पढ़े थे। पॉरीफेरा सबसे पहली फाइलम थी जिनके पास सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट है और बॉडी कैसी थी, एसिमेट्री। दूसरा इनके पास मेजर करैक्टर क्या था, दे हैव कैनाल सिस्टम, सियनोसाइट्स थे जो डिटेक्ट करने में मदद करते थे। फिर हमने अगली जो फाइलम की थी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लेटर रेडियल सिमेट्री की बात करी थी, दो फाइलम हमने वहां पे पढ़ी, टेनोफोरा और सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स का मेजर करैक्टर क्या था, दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेडूसा में फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और मेटाजेनेसिस का प्रोसेस शो करते हैं, दे कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर, पॉलिप मेडूसा में चेंज हो जाती है और मेडूसा पॉलिप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मेजर करैक्टर था इनके पास। टेनोफोरा का मेजर करैक्टर क्या था,
बायोल्यूमिनेसेंट थे। यस दे आर बायोल्यूमिनेसेंट थे और इनके बाहर क्या थी, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट थी 8 रोज में, कॉम्प्लेट्स जिसे हम बोल रहे थे। तो ये एक डिफरेंट करेक्टर था। बाकी रेडियल सिमेट्री इनके पास थी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम था जो सिलेंड्रेट, लेकिन बायोल्यूमिनेसेंट और क्या था आपका, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट थी। फिर हमने किया था प्लेटेहेलमेंथीज क्या थे, बायोलेटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम आ गया था, लेकिन ए सिलोमेट एनिमल्स थे। इनकी बॉडी क्या थी, बिल्कुल फ्लैट थी, चपटी बॉडी थी इनके पास, और ज्यादातर ये क्या थे, एंडो पैरासाइट, एनिमल्स के अंदर रहते हैं। एनिमल्स के अंदर रहने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, एनिमल के साथ अटैच होने का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे सकर्स या हुक प्रेजेंट होते हैं इनके पास। अगला जो मेन करेक्टर था इनके पास, ये एक्सक्रीशन कराने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट थे, फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स किसका मेजर करेक्टर है आपका, प्लेटे हेलमेंथीज का। नेक्स्ट जो हमारी फाइलम आई थी एसके हेलमेंथीज, ये भी बायोलेटरल सिमेट्री ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिलोमेट नहीं थे, ये सूडो सिलोमेट थे, ट्रू कैविटी नहीं थी, राउंडेड एनिमल्स थे। ये राउंडेड एनिमल्स थे, तो कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। तो जो मेजर करेक्टर था इनका यही था कि दे हैव फॉल्स सिलोमेट, फॉल्स कैविटी थी, सूडो सिलोमेट थे और राउंडेड बॉडी थी इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने फाइलम करी थी बायोलेटरल सिमेट्री ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब सिलोमेट हैविंग कैविटी, लेकिन एनालिडा का जो मेजर करेक्टर क्या आया था कि दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बॉडी इज डिवाइडेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, है ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन थी इनके पास। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, क्लोज्ड था, है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास सकर्स थे अटैच होने के लिए, जैसे हमने लीच का एग्जांपल किया था, और कुछ में क्या था, लेग लाइक स्ट्रक्चर थे, पोडिया थे जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। वेस्ट किसकी हेल्प से निकल रहा था, नेफ्रीडिया प्रेजेंट थे, नेफ्रीडिया ऑर्गन प्रेजेंट था जो वेस्ट को बाहर निकालता था। आर्थ्रोपोडा हमने किया, आर्थ्रोपोडा में क्या आ गया, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जो काइटिन से बना होता है। आर्थ्रोपोडा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं और बुक लंग्स हैं। वेस्ट बाहर निकालने के लिए इनके पास क्या है, मालपिजन टिब्यूल्स हैं। मोलस्का किया हमने, मोलस्का में बाहर शेल प्रेजेंट होती है और बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, मस्कुलर, फुट और मिस्रल हम्प में प्रेजेंट होती है। रेडुला प्रेजेंट है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है खाना खींचने के लिए, रैस्प करने के लिए। एकाइनोडर्मेटा कौन से एनिमल्स हैं, ज्यादातर मेराइन है, इनके पास क्या डेवलप हो गई, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन वाले एनिमल्स आ गए, और इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इनके पास क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है जो इन चीजों में हेल्प करता है, गैसेस की एक्सचेंज में भी, ट्रांसपोर्ट में भी। तो इनके पास क्या है मेजर करेक्टर, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, और हेमिकॉर्डेटा जो पहले कौन से में रखा गया था, कॉर्डेट्स में, लेकिन अब दोबारा से इसको नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया, जिनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। ठीक है, तो मेजर करेक्टर्स आपको जरूर पता होने चाहिए बच्चे। जैसे एसके हेलमेंथीज का सबसे मेजर करेक्टर क्या है, सूडोसिलोमेट। एनालिड का सबसे मेजर करेक्टर क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा का सबसे मेजर करेक्टर क्या है, एक्सोस्केलेटन और ज्वाइंटेड लेग्स। मोलस्का का मेजर करेक्टर क्या है, शेल है और बॉडी डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प में। एकाइनोडर्मेटा का मेजर करेक्टर क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। प्लेटेहेलमेंथीज का क्या है, फ्लैट बॉडी है, इनके पास फ्लेम सेल्स है और एंडोपैरासाइट होते हैं ये।
सिलेंड्रेट्स का क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, इनके पास क्या है, टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टेनोफोर क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, और एक्सोस्केलेटन है, आठ प्लेट्स की फॉर्म में, कॉम्ब लाइक प्लेट्स उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ज्यादातर ये एनिमल ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखाई देता है इनके अंदर से। और पॉरीफेरा जो सबसे सिंपल एनिमल्स हैं, उनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, कैनाल सिस्टम गार्डेड होते हैं सेल से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीएनोसाइट्स। ठीक है, तो हमारी नॉन कॉर्डेटा सब फाइलम कंप्लीट हुई है, कल हम कॉर्डेट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।